हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोडाफोन के सारे प्लान्स समझा दूंगा जिससे आप अपने लिए बेस्ट प्लान डिसाइड कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्लान्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड करा है, लेस देन वन मंथ, लेस देन टू मंथ, लेस देन थ्री मंथ और मोर देन थ्री मंथ प्लान। लेस देन वन मंथ प्लान में वोडाफोन काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ये प्लान्स 19 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं और अप टू 398 रुपीज़ जाते हैं। दोस्तों, वोडाफोन का सबसे चीपेस्ट प्लान 19 रुपीज़ का है, जिसमें आपको 200 MB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको इसमें वोडाफोन प्ले और Z5 का भी एक्सेस मिलता है। बट दोस्तों, इस प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 2 दिन की है। अगर वोडाफोन आपका सेकेंडरी सिम है और आप उसमें चीप ऑप्शन का एक प्लान डलवाना चाहते हैं, तो मैं आपको 49 रुपीज़ का प्लान रिकमेंड करूँगा। इसमें आपको 28 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें 100 MB डेटा और 38 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलता है। इसमें आपको 2.5 पैसा पर सेकंड के हिसाब से पैसे कटते हैं, यानी इफ़ेक्टिवली आप इसमें 25 मिनट की कॉलिंग कर पाएंगे। वोडाफोन 39 और 79 रुपीज़ के प्लान भी देता है, बट वो दोनों प्लान्स बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं हैं। दोस्तों, इसके बाद वोडाफोन में 149 रुपीज़ का प्लान आता है, जिसमें 2 GB डेटा और 24 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है। आगे जाने वाले सभी प्लान्स अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आते हैं और इसमें जियो की तरह कोई IUC चार्जेस का पंगा नहीं है। ये प्लान आपको 5.375 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लान 149 रुपीज़ का है, जिसमें सेम 2 GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग है, बट इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। दोस्तों, कॉस्ट पर डे में आप देख सकते हैं ये प्लान 129 रुपीज़ वाले प्लान के कंपैरिजन में थोड़ा चीप पड़ता है। इसके बाद 199 रुपीज़ का प्लान आता है, जिसमें आपको 1 GB डेली का डेटा मिलता है और 24 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है। इसके बाद 219 रुपीज़ का प्लान आता है, जिसमें सेम 1 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। 1.5 GB डेटा के लिए आपको 249 रुपीज़ का रिचार्ज करना होगा, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी है। उसके बाद 299 रुपीज़ का प्लान है, जिसमें 2 GB का डेली डेटा है और 398 रुपीज़ वाले प्लान में 3 GB का डेली डेटा है। दोस्तों, इसके बाद लेस देन 2 मंथ्स वाले प्लान की बात करें, तो इसमें 4 प्लान्स अवेलेबल हैं। 269 रुपी वाले प्लान में आपको 4 GB डेटा 56 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता है। 399 वाले में 1.5 GB डेली डेटा, 449 में 2 GB डेली डेटा और 558 रुपीज़ में 3 GB डेली डेटा आपको मिलता है। लेस देन 3 मंथ्स वाले प्लान की बात करें, तो इसमें 5 प्लान्स करंटली अवेलेबल हैं। 379 रुपी का प्लान लेस देन 3 मंथ्स वाले प्लान्स में सबसे चीपेस्ट प्लान है, जिसमें आपको 6 GB डेटा मिलता है। दोस्तों, इसका कॉस्ट पर डे सिर्फ 4.5 रुपीज़ आता है, जो कि सारे प्लान्स में अब तक सबसे कम है। इसके बाद 499 वाला प्लान आता है, जिसमें 1.5 GB डेली डेटा 70 दिन के लिए मिलता है। 555 में 1.5 GB डेली डेटा 77 डेज के लिए मिलता है। 599 में 1.5 GB डेली डेटा 84 डेज के लिए मिलता है। 2 GB डेली डेटा के लिए आपको 699 रुपी का प्लान लेना होगा, जिसकी वैलिडिटी भी 84 डेज की है। दोस्तों, आप देख सकते हैं 499 वाले प्लान की कॉस्ट पर डे सभी 1.5 GB डेली डेटा वाले प्लान्स में सबसे कम आती है। को अगर 1.5 GB डेली डेटा
चाहिए तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा आप 499 वाला प्लान लें। मोर देन 3 months वाले प्लान्स में वोडाफोन 2 ईयरली प्लान्स निकालता है जो कि 1499 और 2399 रुपीज़ के हैं। 1499 वाले प्लान में 24 GB डेटा 1 साल के लिए मिलता है और 2399 वाले प्लान में 1.5 GB डेली डेटा 1 साल के लिए आपको मिलेगा। दोस्तों सभी प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग है। दोस्तों अब सभी कैटेगरीज में से बेस्ट प्लान्स की बात करें तो 49 रुपीस वाला प्लान बेस्ट प्लान है फॉर सेकेंडरी सिम। बेस्ट लेस देन 1 month प्लान है 249 का 1.5 GB डेली वाला प्लान। लेस देन 2 months में बेस्ट प्लान है 399 रुपीस का 1.5 GB डेली डेटा वाला प्लान। लेस देन 3 months में अगर आपका डेटा का काम नहीं होता है तो आपको 379 रुपी का प्लान सबसे अच्छा पड़ेगा। बट अगर आपकी 1.5 GB डेली डेटा की यूसेज है तो मैं आपको 499 का प्लान रिकमेंड करूँगा जिसमें 70 दिन की वैलिडिटी है। मोर देन 3 months में मैं आपको दोनों ही प्लान्स रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि दोनों प्लान्स ईयरली प्लान्स हैं और साल का रिचार्ज एक साथ कराना समझदारी नहीं होगी क्योंकि वोडाफोन में प्लान्स हर 2 महीने में चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे वोडाफोन के सभी प्लान्स। आपने करंटली कौन सा रिचार्ज कराया हुआ है हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।